नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप एक ऑप्टिशियन हैं या फिर आप एक ऑप्थाल्मिक स्टूडेंट हैं या फिर आप नए ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि एक नियर का चश्मे का नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसा कि आप इस स्लिप के अंदर देख रहे हैं, ऐसी स्लिप आपने देखी होगी कि जब एक आई सर्जन एक पेशेंट का रिफ्रेक्शन करता है तो जो उसकी पावर आती है उस पावर को इस स्लिप के अंदर लिखता है। तो डिस्टेंस का नंबर लिखने के बाद में उसके नीचे एक एडिशन डालता है। एडिशन में जैसे प्लस वन है, प्लस 1.50 है या फिर प्लस 2 है। तो पेशेंट कहता है जी मेरे को नज़दीक का नंबर लेना है, तो उसको नज़दीक का नंबर कैसे देंगे? क्योंकि जो पावर है, जो डिस्टेंस की पावर है, उसमें एडिशन करके और नियर का नंबर कैसे निकालेंगे, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको जो टॉपिक है वह अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी बीच में टॉपिक छूटता है तो यह वीडियो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पहले आपको समझाऊँगा कि एक नियर का नंबर कैसे निकाला जाता है, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में हम प्लस स्फेरिकल नंबर, माइनस स्फेरिकल नंबर, प्लस सिलेंड्रिकल नंबर और माइनस सिलेंड्रिकल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यह जो आप स्लिप देख रहे हैं, इस तरह की स्लिप पे जो पावर होती है वह लिखी जाती है। तो इसमें एक स्फेरिकल नंबर लिखा जाता है और उसके बाद में एक सिलेंड्रिकल नंबर लिखा जाता है, फिर उसकी एक्सिस क्या है वो एक्सिस लिखी जाती है, तो उसके आगे है विजुअल एक्विटी, यानी कि इस पावर से उसकी विजुअल एक्विटी विजन कितना है तो वह लिखा जाता है। और जो नीचे है, यानी कि यह राइट आई का है और जो उससे नीचे है लेफ्ट आई का है, और उससे नीचे है एडिशन है, यानी कि उसको क्या एडिशन दी है। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल नंबर की बात करते हैं। तो जैसे कि स्फेरिकल नंबर प्लस हाफ है राइट के अंदर और लेफ्ट के अंदर है प्लस वन, और इसकी विजुअल एक्विटी यानी कि विजन है 6, 6, और इसमें कोई भी एडिशन नहीं है। तो ऐसी पावर में एडिशन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, वो यह ओनली फॉर डिस्टेंस का नंबर होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। तो पहले हम प्लस स्फेरिकल पावर को समझते हैं। तो यह जो स्लिप देख रहे हैं, जैसे राइट में प्लस हाफ की पावर है और विजुअल एक्विटी इसकी 6, 6 है, लेफ्ट के अंदर प्लस 1 की पावर है और विजुअल एक्विटी 6, 6 है, और इसको एडिशन प्लस 1 दिया है। तो इसमें फिर नियर का नंबर क्या निकलेगा? तो एक सिंपल सी बात है, तो जो एडिशन है प्लस 1, एडिशन का मतलब है जोड़ना, यानी कि जो एडिशन है वह स्फेरिकल के जो पावर है उसमें जोड़नी है, यानी कि जो प्लस वन है वह प्लस हाफ के अंदर जोड़ना है। तो यह क्या बन जाएगी? प्लस 1.50, और जो लेफ्ट के अंदर है प्लस वन, और नीचे भी एडिशन प्लस वन है, तो जो लेफ्ट के अंदर प्लस वन और जो एडिशन है इसको आपस में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा प्लस 2। यानी कि अगर वह नियर का नंबर बनेगा तो राइट के अंदर तो बनेगा प्लस 1.50 और लेफ्ट के अंदर बनेगा प्लस 2, तो यह एक नियर की पावर है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे कि राइट के अंदर है प्लस 2, विजुअल इक्विटी है 6, 6, और लेफ्ट के अंदर है प्लस 3, विजुअल इक्विटी है 6, 9, और इसका एडिशन है प्लस 2। तो अब इसमें क्या करना है? जो राइट की पावर है प्लस 2 स्फेरिकल और जो एडिशन है प्लस 2, इसको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 4। तो राइट में जो नियर की पावर है वह प्लस 4 हो जाएगी, और जो लेफ्ट है प्लस 3, तो उसमें जो एडिशन है प्लस 2 वह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? लेफ्ट के अंदर प्लस 5। तो राइट में नियर का नंबर हो गया प्लस 4
और लेफ्ट के अंदर हो गया प्लस 5, तो इस तरह से एक नियर का नंबर निकाला जाता है। तो अब आगे समझते हैं कि माइनस स्फेरिकल नंबर में नियर का नंबर कैसे निकाला जाता है। तो एग्जांपल वन में हम समझते हैं, जैसे प्लस स्फेरिकल में माइनस हाफ की पावर है राइट के अंदर, और लेफ्ट के अंदर है माइनस वन की पावर, और इसका एडिशन है प्लस 2। तो अब इसमें नियर का नंबर कैसे निकाला जाता है, जैसे कि हमने प्लस में तो उस नंबर को स्फेरिकल के नंबर से एडिशन का नंबर ऐड किया था, तो अब इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, जो स्फेरिकल पावर है और जो एडिशन है, जैसे प्लस 2 की एडिशन है तो उसके अंदर जो माइनस हाफ है वह घटा देंगे, तो राइट में नियर का नंबर हो जाएगा प्लस 1.50। लेफ्ट के अंदर क्या करना है, जैसे स्फेरिकल पावर माइनस 1 है और एडिशन है 2, तो जो माइनस 1 है वह प्लस 2 के अंदर से जो एडिशन है वह घटा देंगे, तो यह क्या बच जाएगा प्लस 1। तो नियर में राइट में तो प्लस 1.50 हो जाएगा और लेफ्ट के अंदर प्लस 1 स्फेरिकल पावर आ जाएगी, तो यह एक नियर का नंबर है। तो एग्जांपल 2 में हम समझते हैं, जैसे राइट में माइनस 2 स्फेरिकल है और लेफ्ट के अंदर माइनस 1.50 स्फेरिकल है और एडिशन है 1.50, तो अब इसमें नियर का नंबर कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाना है, जो एडिशन है प्लस 1.50 और जो राइट में माइनस 2 है वह घटा देंगे, तो इसमें क्या है, जो माइनस 2 की पावर है वह प्लस 1.50 एडिशन है उससे ज़्यादा है, तो उसको घटाएंगे तो माइनस हाफ बच जाएगा, क्या बचेगा माइनस हाफ, तो जो नियर का नंबर बनेगा वह राइट में माइनस हाफ बनेगा, और लेफ्ट के अंदर जैसे माइनस 1.50 है और एडिशन भी प्लस 1.50 है, तब ये इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, यानी कि प्लेन, तो लेफ्ट के अंदर प्लेन नंबर आएगा, तो यह नियर का नंबर है। अब आगे समझते हैं कि एक सिलेंड्रिकल नंबर में नियर का नंबर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम प्लस सिलेंडर को समझते हैं, तो यह स्लिप देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, स्फेरिकल नंबर नहीं लेना है इसके अंदर, इसके अंदर जैसे सिलेंड्रिकल नंबर लेना है, तो प्लस हाफ इसमें सिलेंड्रिकल नंबर है और जो इसकी एक्सिस है वह 170 है, और लेफ्ट के अंदर प्लस 1 सिलेंड्रिकल है और 10 की एक्सिस है और एडिशन है इसका प्लस 2, तो अब इसमें नियर का नंबर कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है इसमें, तो इसमें आपने क्या करना है, जो एडिशन है नियर में, जैसे एडिशन है नियर का नंबर निकालना है, तो आपने क्या करना है, जो स्फेरिकल लेना है वह एडिशन कि जो पावर है वह पूरी ही नीचे लिख देनी है, यानी कि प्लस 2 तो स्फेरिकल आ जाएगा और प्लस हाफ सिलेंड्रिकल आ जाएगा 170, और लेफ्ट में क्या करना है उसी तरीके से करना है, जैसे जो एडिशन है प्लस 2 उसको स्फेरिकल प्लस 2 ही आएगा और जो सिलेंड्रिकल है वह प्लस 1 है और एडिशन इसकी 10 डिग्री है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का, तो यह नियर की पावर आ गई। सेकंड एग्जांपल में हम समझते हैं, तो जैसे कि सिलेंड्रिकल पावर प्लस 1 है और उसकी एक्सिस है वह 180 है और लेफ्ट के अंदर प्लस 1.50 है और उसकी भी एक्सिस 180 है और उसका एडिशन है 1.50, तो अब नियर का नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी बहुत ही सिंपल तरीका है, जो एडिशन की प्लस स्फेरिकल पावर है प्लस 1.50 है उसको स्फेरिकल पावर में लिखा जाएगा, तो 1 + 50 इसकी स्फेरिकल पावर आ गई और जो सिलेंड्रिकल पावर है वह प्लस 1 और 180 इसकी एक्सिस आ गई, और लेफ्ट के अंदर जैसे एडिशन की स्फेरिकल पावर है 1.50 वो लिखी जाएगी, उसकी जो सिलेंड्रिकल पावर है वह 1.50 और एक्सिस 180 लिखी जाएगी, तो इस तरह से एक नियर का नंबर निकाला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्लस की पावर होती है, जो प्लस की सिलेंड्रिकल पावर होती है, उसमें जब नियर का नंबर निकाला जाता है तो जो एक्सिस होती है वह चेंज नहीं होती है, लेकिन जो माइनस सिलेंड्रिकल नंबर है या फिर माइनस कंपाउंड नंबर है उसमें जब नियर का नंबर निकाला जाता है तो जो एक्सिस होती है वह चेंज हो जाती है, यानी कि अपोजिट
हो जाती है। तो सिलेंड्रिकल पावर होती है चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, जब नियर का नंबर निकाला जाता है तो जो पावर होती है सिलेंड्रिकल पावर वह सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है। तो आप आगे समझते हैं कि एक माइनस सिलेंडर में नियर का नंबर कैसे निकाला जाता है और कैसे उसकी एक्सेस चेंज होती है। तो यह आप स्लिप देख रहे हैं, स्लिप में माइनस हाफ की पावर है और 90 इसकी एक्सिस है, और लेफ्ट के अंदर 0.75 की पावर है और 90 एक्सिस है, और एडिशन है इसकी प्लस 1.50। तो अब इसमें नियर का नंबर कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जो एडिशन है 1.50 और राइट के अंदर माइनस हाफ है वो घटा देनी है। तो घटाएंगे तो क्या आएगी, नियर का नंबर निकालेंगे तो इसमें घटाने पे आएगी जो स्पेरिकल पावर है वह प्लस 1। तो इसकी स्पेरिकल पावर प्लस 1 होगी और सिलेंड्रिकल पावर प्लस हाफ, यानी कि इसमें जो पावर है सिलेंड्रिकल पावर है वह अपोजिट हो जाती है, जो माइनस है वह प्लस में हो जाती है। तो जो माइनस हाफ सिलेंड्रिकल पावर है वह प्लस हाफ में हो जाएगी और जो 90 एक्सिस है वह 180 हो जाएगी। तो लेफ्ट में निकालते हैं, तो जैसे एडिशन 1.50 है वो सिलेंड्रिकल पावर 0.75 है, तो इसमें से जो 1.50 है उसमें से 0.75 घटा देंगे, तो घटाने पे जो नियर में स्पेरिकल पावर बचेगी प्लस 0.75 बचेगी और सिलेंड्रिकल पावर है वह प्लस 0.75 हो जाएगी, यानी कि जो माइनस 0.75 की पावर है वह प्लस 0.7 की पावर हो जाएगी और उसकी जो एक्सिस है वह 180 हो जाएगी। तो हम सेकंड एग्जांपल में इसको समझते हैं, जैसे कि माइनस 1 की इसमें सिलेंड्रिकल पावर है और 150 इसकी एक्सिस है, और लेफ्ट के अंदर माइनस हाफ की सिलेंड्रिकल पावर है और 30 इसकी एक्सिस है और इसकी जो एडिशन है वह प्लस 2 है। तो अब इसमें नियर का नंबर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका है, जो माइनस 1 सिलेंड्रिकल पावर है उसको जो एडिशन प्लस 2 है उसमें से घटा देना है, तो जो नियर में स्फेरिकल पावर बचेगी वह बचेगी प्लस 1 की और जो सिलेंड्रिकल पावर है वह माइनस 1 है तो उसको प्लस 1 कर देंगे, तो यह इसकी सिलेंड्रिकल पावर होगी। और जो 150 एक्सिस है उसमें से 90 घटा देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, तो यह बच जाएगी 60, तो इसकी 60 एक्सिस आ गई, तो यह राइट में नियर का नंबर हो गया। और लेफ्ट के अंदर जैसे माइनस की हाफ सिलेंड्रिकल पावर है और प्लस 2 की एडिशन है, तो प्लस 2 में से माइनस हाफ सिलेंडर घटा देंगे तो यह बचेगा प्लस 1.50 स्पेरिकल, और जो माइनस हाफ सिलेंड्रिकल पावर है उसको प्लस हाफ सिलेंड्रिकल पावर कर देंगे और जो एक्सिस है 30 उसमें जो 90 है वह जोड़ देंगे, तो जो नियर में एक्सिस आएगी वह 120 आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जो पीछे समझा है तो उसका मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो उस क्वेश्चन का आपने आंसर इस कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, राइट आई में माइनस 1 की पावर है और एक्सिस है उसकी 180 और लेफ्ट के अंदर है माइनस 1.50 और एक्सिस है उसकी 30 और एडिशन है उसका प्लस 2, तो इसमें नियर का नंबर क्या बनेगा, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, धन्यवाद।